हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का साइंस और टेक के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म वर्निक्स के ऊपर। यहां पर मैं 5 मिनट सीरीज में सारी कमीशन के ऊपर क्विक रिवीजन आपको करा रहा हूं, ताकि जितने भी क्वेश्चन है आपके 5 मिनट में सारे के सारे तैयार हो सके। जो आपने डिटेल में पढ़ा हुआ था, तो क्विक रिवीजन करने से आपको एग्जाम में बिल्कुल सटीक तरीके से याद आ सके। चलेगा, आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं यूपीएससी। तो यूपीएससी के बारे में स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बताना चाहूंगा। बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग की, जो शुरुआत की गई थी, ये ब्रिटिश शासनकाल से ही शुरुआत की गई थी। शुरुआत आप देख सकते हो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। 1 से 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कौन है। आगे की तरफ चलते हैं, बात करते हैं पहली बार जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था 16 जुलाई 1855। तो 16 जुलाई 1855 में पहली बार लंदन में इसका एग्जाम कंडक्ट हुआ था। सोचिएगा, भारतीय प्रशासन को चलाने के लिए जो नियुक्ति करने का जो एग्जाम है वो हो कहां पे रहा है, तो लंदन में यहां पर हो रहा है। यहां पर एक मांग उठी थी, क्योंकि प्रशासन भारत में चलाना है और एग्जाम कहां पे हो रहा है, लंदन में हो रहा है, तो यहां पर एक कमीशन का गठन किया गया था लॉर्ड डफरिन के द्वारा। तो लॉर्ड डफरिन साहब ने एक एचिसन आयोग का गठन किया था। तो यहां पर इन्होंने अनुशंसा की थी कि एग्जाम कहां होना चाहिए, भारत में होना चाहिए कि इंग्लैंड में होना चाहिए। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि भाई ये एग्जाम इंग्लैंड में ही होना चाहिए। इसका विरोध फिर शुरू हुआ। आगे चलकर एक और आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का नाम दिया था स्लिंगटन आयोग। जो स्लिंगटन आयोग, यहां पर जो भारत शासन अधिनियम है, इसकी जो अनुशंसा थी, इस भारत शासन अधिनियम 1919 ने इसको स्वीकारा था। स्लिंगटन आयोग ने क्या बोला कि जो एग्जाम जो होना चाहिए भारत में भी हो और ब्रिटेन में भी हो, दोनों जगह यहां पर एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए। तो जब भारत शासन अधिनियम 1919 में इसके अनुशंसा को स्वीकार किया गया, तो 1922 में पहली बार इलाहाबाद और लंदन में दोनों जगह इसका आयोजन किया गया। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस आयोग की वजह से दोनों जगह एग्जाम कंडक्ट हुआ, आप बताओगे स्लिंगटन आयोग। समय गुजरता गया, आगे की तरफ बात करते हैं। एक और कमीशन यहां पर बना हुआ था, इसको ली कमीशन कहा गया। ली कमीशन की अनुशंसा पर 1 अक्टूबर 1926 को दिल्ली में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसको भारत शासन अधिनियम 1919 में पहले ही स्वीकार किया जा चुका था। तो उसका नाम रखा केंद्रीय लोक सेवा आयोग। अब थोड़ा सा और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं। जब पहली बार यहां पे 1855 में एग्जाम हुआ किसका, संघ लोक सेवा आयोग का लंदन में, तो पहली बार किस भारतीय ने इसको पास किया, यहां पे आपको नाम दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा, 1955 में बना और 1964 में पहले भारतीय थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम पास किया था, वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई थे, इन्होंने पहली बार यहां पे एग्जाम पास यहां पे क्लियर किया था। तो क्योंकि देखिएगा, 1855 में पहली बार एग्जाम हुआ और 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर ने पहली बार इसको पास भी कर लिया। अब आप सोचिएगा, लंदन में एग्जाम हो रहा था और वहां जाकर उन्होंने पास किया, तो कितना टफ उस समय इनके लिए रहा होगा। 26 जनवरी 1950 को फेडरल पब्लिक कमीशन, जिसको बोला जाता है केंद्रीय लोक सेवा आयोग, इसका नाम परिवर्तित करके संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जो अभी तक यहां पर चल रहा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसे भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से स्वीकारा गया स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में कुछ और जानकारी मैं आपको बता दूं। जब 1855 की यहां पे बात की थी, तो 1855 में पहले जो अध्यक्ष यहां पे इसके रहे थे, ये थे सर रोजर वॉकर। इनका फोटो आप देख सकते हो, यहां पे लगाया हुआ है मैंने। इसके अलावा और जानकारी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले भारतीय कौन थे जो कि इसके या यूपीएससी के अध्यक्ष बने, तो ये थे एचके कृपलानी, जो कि वर्ष 1947 से 1949 तक इनका कार्यकाल रहा। हालांकि इनका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया था। वर्तमान समय की बात करते हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष चेयरमैन कौन है, तो वर्तमान समय आप देख सकते हो अरविंद कुमार जोशी जी, इनका फोटो भी यहां पे लगा हुआ है। तो वर्तमान समय में ये हैं यूपीएससी के चेयरमैन। बात करते हैं महिला अध्यक्ष कौन रही हैं, बहुत बहुत काम का, तो यूपीएससी की एकमात्र महिला अध्यक्ष रही है आर एम बैथ्यू, कई जगह आर एम बाथो के नाम से भी आपको ये मिल जाएंगी। तो आर एम बैथ्यू यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष रही, एकमात्र ही है। थोड़ी और जानकारी मैं आपको बता दूं, यहां पे अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल जो होता है, ये 6/65 जो भी यहां पर पहले हो जाए, तो इसको बिल्कुल आपको याद रखना है, 6 वर्ष 65 जो भी यहां पर पहले हो जाता है, तो ये इनका कार्यकाल होता है।
आगे बात करते हैं कि इस निकाय है कैसा, तो यहां पे आप देख सकते हो निकाय बहुसदस्यीय निकाय है, मतलब एक सदस्य होगा, एक अध्यक्ष होगा और अन्य सदस्य यहां पे हो सकते हैं। तो वर्तमान समय में 8 अन्य सदस्य हैं, 9 से 11 अन्य सदस्य यहां पर हो सकते हैं। तो यहां पर संविधान में किसी प्रकार का ऐसा उल्लेख नहीं है कि सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। अध्यक्ष और सदस्यों की बात करते हैं, नियुक्ति, सेवा शर्तें, नियम, रिपोर्ट, प्रतिवेदन, निष्कासन, ये सभी के सभी राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। भारतीय संविधान में भाग 14 315 से 323 तक सारे संविधान में यूपीएससी के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे नियुक्ति 316, सेवा शर्तों का निर्धारण 318, रिपोर्ट प्रतिवेदन 323, निष्कासन 317, ये सभी के सभी राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो बहुत बहुत काम के क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, किस अनुच्छेद में नियुक्ति है, सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है। तो मैंने एक साथ कंपाइल करके यहां पर लिख दिए ताकि आपको सारी बातें एक साथ ही समझ आ सके। क्लास आपको कैसी लगी? 5 मिनट जो क्विक रिवीजन वाली क्लास थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिल्कुल आप बताइएगा। और कोई भी हॉट टॉपिक जिसके ऊपर आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल उसको भी आप मेंशन कर दीजिएगा। मुलाकात करते हैं किसी अगले वीडियो में। ओके भाई, थैंक यू।